कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं हाँ तो रीडिंग कॉम्प्रशन देखना है ना ठीक है लेट्स गो इजी फर्स्ट में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन है ना पहला क्वेश्चन क्या है हेयर कवर्ड विद डस्ट डस्ट का मतलब है जो गुलाल खेलते हैं ना है ना उसे बोल उसे बोला है तो रणबीर के जो बाल थे वो कवर हो गए थे बिल्कुल ढक गए थे किस चीज से कैसे कलर की डस्ट से रेड कलर की डस्ट से ठीक है ना ही वोर एन ओल्ड पेयर ऑफ शूज बिकॉज उसने एक पुराने शूज पहने हुए थे किसने रणबीर ने यहाँ ही बोला है किसको बोला रणबीर को क्योंकि पहले रणबीर का जिक्र हो गया है तो ये जो प्रो नाउन यूज हुआ है ये उसी के लिए यूज हुआ है ही वोर एन ओल्ड पेयर ऑफ शूज बिकॉज क्या आंसर आएगा इसका देखो इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है खैर आप बता सकते हैं सेकेंड ऑप्शन है option, ना द कलर वुड स्टेन जो कलर है ना वो उसके शूज को क्या कर सकता है खराब कर सकता है ना दाग उस पर डाल सकता है तो बी इज द राइट आंसर द एल्डर्स प्रिफर्ड टू बी कलर्ड विद जो एल्डर्स है बड़े लोग हैं उन्होंने प्रेफर किया पसंद किया क्या पसंद किया टू बी कलर्ड विद किस चीज से कलर खेलना पसंद किया उन्होंने डस्ट से है ना जो बच, बच्चे लोग है वो तो पानी खेल रहे थे बहुत सारा है ना और जो, जो एल्डर्स लोग हैं उन्होंने क्या किया पानी के बदले डस्ट को प्रेफर किया ठीक है ना सिलेक्ट किया ओके okay. आगे देखो क्या है राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट ठीक है ना पहला क्या है रस्टी वोक टू द साउंड ऑफ द फर्स्ट ड्रम बीट रस्टी जाग गया है ना टू द साउंड ऑफ द फर्स्ट ड्रम बीट पहले ही जैसे ड्रम की जो बीट सुनाई दी उसके साउंड से जाग गया उसकी नींद खुल गई ये फॉल्स स्टेटमेंट है ना वो सेकेंड बीट में जागा था पहली में नहीं जागा था ठीक है सेकेंड क्या है टू रस्टी द सेलिब्रेशन ऑफ होली सीम्ड प्रीमिटि प्रिमिटिव का मतलब होता है एंसियंट रस्टी के लिए जो होली का सेलिब्रेशन है वो क्या था बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव था पुराना था ये फॉल्स स्टेटमेंट है रस्टी के लिए वो पुराना नहीं था वो किसके लिए बहुत ही पुराना था वो अंकल है ना क्या नाम उनका hmm. जिसके घर के पीछे ये छुपा हुआ था उनके लिए बहुत ज्यादा पुराना था ठीक है ना स्टूडेंट जो मिस्टर हैरिसन है उनके लिए आगे देख लेते हैं थर्ड रणबीर अपियर्ड एज अ पेंटेड गॉड टू रस्टी एक पेंटेड गॉड के जैसा दिखाई दे रहा था रणबीर है ना किसको रस्टी को नहीं स्टूडेंट पेंटेड गॉट के जैसा नहीं पेंटेड डीमन के जैसे भूत के जैसे दिखाई दे रहा था है ना तो ये फॉल्स है राक्षस के जैसे देवता के जैसे नहीं फोर देखो रस्टी गॉट शोग्ड विद ब्लैक लिक्विड फ्रॉम अ बम्बू पंप जो बांस का बनाया हुआ जो कुछ पंप था स्टोन उन्होंने बनाया था तो रस्टी गॉट सोग रस्टी बिल्कुल गीला हो गया था है ना ब्लैक लिक्विड से बिल्कुल सही बात है स्टून उनके दोस्तों ने उसे वैसे ही कर दिया था है ना आप देखो आगे देखो और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन क्या है वो मैं लेकर के चलता हूँ आपको देख लीजिए जस्टैन क्वेश्चन आंसर आपके सामने आप इस्क्रीन शॉट लेते जाइए और नोट्स बनाना है आप लोग को ठीक है ना तो चलो समझ लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है क्वेश्चन को भी समझना ज़रूरी है है ना क्वेश्चन कह क्या रहा है फिर आंसर तो समझ में आ ही जाएंगे क्या है वॉट डिड रणबीर डू इन द अर्ली मॉर्निंग आवर्स है ना अर्ली मॉर्निंग आवर्स का मतलब होता है सुबह सुबह बिल्कुल है ना सुबह सुबह रणबीर ने क्या किया है ना तो आंसर देखो ही रुका हुआ था जंगल में ठीक है Behind Mr. Harrison's house and his drum, और अपने ड्रम को बजाया ठीक है ना मिस्टर हैरिसन के घर के पीछे छुपा हुआ था सुबह सुबह छुप गया था और वहीं से ड्रम को बजाना स्टार्ट कर दिया था ठीक है सेकेंड क्वेश्चन क्या हाउ डिड ही लुक वो कैसा दिखाई पड़ रहा था है ना कैसा दिखाई दे रहा था रणबीर आंसर देखो ही लुक्ड देखो रणबीर ही क्यों है यहाँ पर क्योंकि पिछले क्वेश्चन में रणबीर की बात की है, इसलिए रणबीर ही है यहाँ पर ही का मतलब रणबीर है क्योंकि पिछले क्वेश्चन में रणबीर का जिक्र है ठीक है देखो क्या है हाउ डिड ही लुक वो कैसा लग रहा था ही लुक्ड लाइक अ पेंटेड गॉड है ना पेंटेड गॉड जैसा वो दिखाई दे रहा था वॉट वो कप किस चीज ने रस्टी को उठा दिया डिड ही वैकअप इमिडियटली क्या वो तुरंत ही उठ गया आंसर देखो नो no, वो तुरंत ही नहीं उठ गया है ना रस्टी वॉकअप द साउंड ऑफ द सेकेंडेट रॉकअप वॉक हा वॉक मतलब वो जाग गया है ना टू द साउंड ऑफ द सेकेंड ड्रमबेट यानी सेकंड ड्रमबीट का जब साउंड सुनाई दिया तब वो जाग गया ठीक है न हा फोर्थ क्वेश्चन क्या स्टूट वहा वॉज रस्टी बेवल्ड बाय रणबीर रनबीर फ्रेंड रणबीर के फ्रेंड को देखकर कर रस्टी बिल्कुल सरप्राइज क्यों हो गया था ना बेवल्ड का मतलब क्या होता है सरप्राइज होना या शॉक हो जाना बिल्कुल ठीक है तो देखो समझ लेते हैं इसका क्या मतलब है यहाँ पर क्यों इतना सरप्राइज हो गया था बिकॉज देखो बिकॉज रणबीर से फ्रेंड वर्क कवर्ड विद कलरफुल डस्ट जो कलरफुल डस्ट है जो गुलाल है वो कलरफुल थे तो उनको देखकर बिल्कुल सॉफ्ट हो गया था कैसे कैसे रंग के आए हैं बिलकुल करके है ना ठीक है स्टूडेंट आगे देख लें आप ठीक है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट वो देख लेते हैं ठीक है तो पहला क्वेश्चन क्या है चलो हम पढ़ते जाते हैं और आपको समझाते जाते हैं वट डिड रस्टी प्रोमिस रणबीर रस्टी ने क्या प्रोमिस किया था रणबीर से ठीक है ना ऑन वट कंडीशन डिड ही से ही विल कीप हिज प्रमिस और किस कंडीशन पे अपने प्रोमिस को वो कीप मतलब निभा पाएगा है ना क्या कंडीशन रखा था कि अगर ऐसा होगा तभी मैं अपना प्रोमिस पूरा कर पाऊंगा है ना सही बात है रस्टी ने प्रोमिस किया था कुछ रणबीर से तो आंसर देखो ही प्रोमिस्ड ही किसके लिए आया है रस्टी के लिए क्योंकि रस्टी ने प्रोमिस किया था ना ही प्रमिस्ड दैट ही वुड प्ले होली विद रणबीर रष्टी ने प्रोमिस किया था यहाँ ही के बदले आप रष्टि भी लिख सकते हो ठीक है ना उसने प्रोमिस किया था दैट ही वुड प्ले की वो खेलेगा होली किसके साथ विद रणबीर एंड मीट ही जंगल वैन ही बीट द ड्रम जब वो ड्रम बजाएगा ना रणबीर तब उसे जंगल में मिलने को के लिए जाएगा कौन रष्टी प्रोमिस किया था किस कंडीशन पे वो प्रोमिस पूरा कर पाएगा क्या कंडीशन थी ही मेड द प्रोमिस उसने प्रॉमिस किया था ऑन द कंडीशन कौन सी कंडीशन पे दैट हिज गार्जियन विल डिड नॉट रिटर्न कि उसके जो पेरेंट्स है गार्जियन है वो वापस नहीं आएंगे तभी वो ऐसा करेगा लेकिन अगर वापस आ गए तब तक अभी कहीं बाहर गए हुए थे ना तब वो इस प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाएगा ऐसा ही कंडीशन रखा हुआ था सेकंड क्वेश्चन क्या स्टूडेंट वॉट डिड रस्टी थिंक अबाउट होली रस्टी होली के बारे में, बारे में क्या सोचता था है ना कैसे उसके विचार थे आंसर देखो ही थाट दैट होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स उसे लगता था कि जो त्यौहार है होली का ये क्या है कलर का त्योहार है कलर्स का फेस्टिवल है द अराइवल ऑफ स्प्रिंग है ना स्प्रिंग का जो सीजन है उसका आगमन होता है है ना द रिबर्थ ऑफ न्यू ईयर और नए साल का भी पुनरागमन होता है एंड द अवेकनिंग ऑफ लाइफ अवेकनिंग ऑफ लाइव लाइव का मतलब क्या होता है यहाँ पर अवेकनिंग ऑफ लव है ये थोड़ा सा मिस्ट प्रिंट हो गया यहाँ पर लाइव नहीं आया अवेकनिंग ऑफ लव यानी प्यार की शुरुआत है आप में दोस्त लोग के बीच में प्रेम बढ़ जाता है ना यहाँ पर आप एल ओ लव लिख लीजिएगा ठीक है ओके आगे क्वेश्चन क्या है थर्ड हाउ डिड रणबीर ग्रीट रस्टी रणबीर ने कैसे स्वागत किया बधाई दिया रस्टी को ग्रीट करने का मतलब वही होता है ना रणबीर हैड बोथ हिज फिस्ट क्लोथ रणबीर ने अपने दोनों मुट्ठियां बांध कर रखी हुआ था रखा हुआ था है ना ही हैड रेड डस्ट इन हिज राइट हैंड और राइट हैंड में ला, लाल कलर की डस्ट रखा था गुलाल रखा था एंड द ग्रीन डस्ट इन हिज लेफ्ट हैंड और लेफ्ट हैंड में ग्रीन वाली डस्ट रखा हुआ था ही अप्लाइड द डस्ट ऑन बोथ चिक्स ऑफ रस्टी एंड वेलकम्ड हिम और दोनों गालों पर अप्लाई कर दिया लगा दिया उसने डस्ट को और इस तरह से वेलकम किया है ना रणबीर का ये रष्टि का रणबीर ने ठीक है न आगे क्या देखो क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन व्हाट इम्पैक्ट डिड होली हैव ऑन बोथ रष्टी एंड रणबीर ऑन दैट डे उस दिन क्या प्रभाव डाला इस होली त्यौहार ने किसके ऊपर रष्टी और रणबीर दोनों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा देखो फॉर वन डे एक दिन के लिए ना बोथ ऑफ दम हैड फॉरगेट देयर पेरेंट्स एक दिन के लिए तो अपने पेरेंट्स को सब भूल गए थे है ना एंड अ लॉट दिस फेस्टिवल और उन्होंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया इस त्यौहार को ठीक है ना हुँ. आगे देखो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाले कुछ सवाल है इस स्टूडेंट इसको भी आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए ठीक है ना चलो एक्सप्लेन कर देते हैं इट वॉज रिपीटेड ट्रेवलिंग ओवर द स्टिल एयर स्टिल एयर मतलब शांत हवा में है ना एंड इन थ्रू द बेडरूम विंडो है ना बेडरूम विंडो से आ रही आवाज इस स्टिल एयर में रुकी हुई शांत हवा में ट्रेवल करते हुए बिल्कुल रिपीट होते हुए आ रही है बिल्कुल है ना तो व्हाट वाज रिपीटेड कौन सी चीज रिपीट हो रही है द साउंड ऑम ऑफ द ड्रम बीट जो ड्रम की जो बीटने बीट का जो पीटने का साउंड है ड्रम को वो यहाँ पर उसकी यहाँ बात हो रही है वही रिपीट हो रहा है ंग प्रॉपर्टी it -खुद का मतलब होता है गूंजने की जो प्रॉपर्टी होती है ना एक बार हम इधर बोलते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि सामने वाले को कई बार आवाज टकरा के गूंज के दो तीन बार सुनाई देती है ना पहाड़ी वाली वाले, वाले एरिया में ऐसा होता है ठीक है ना इस वजह से वो खुद ही रिपीट हो रहा था साउंड इकोइंग प्रॉपर्टी की वजह से हुज बेडरूम किसके बेडरूम की बात हो रही है यहाँ पर रस्टी के बेडरूम की बात हो रही है ठीक है स्टूडेंट देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है? इसको भी आप इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट ठीक है ठीक है यू आर लेट मिस्टर सैड रणबीर रणबीर क्या कह रहा है रस्टी को तुम तो काफी लेट हो गए आई थू आर नॉट कमिंग मुझे लगा कि तुम तो नहीं आओगे है ना तुम नहीं आ, आ रहे हो ऐसा मुझे लगा ऐसा उनका कहना था तो हु इज रणबीर स्पीकिंग टू ये रणबीर है यहाँ पर जो रणबीर है किससे बात कर रहे हैं आंसर देखो रस्टी से ठीक है ना व्हाई डिड यू थिंक ही वाजंट कमिंग उसे ऐसा क्यों लगा रणबीर को कि वो नहीं आएगा बिकॉज़ ही वाज वेरी लेट क्योंकि बहुत लेट हो गया था व्हाट वर दे गोइंग टू डू वे सब के सब क्या करने वाले थे रस्टी और रणबीर आंसर देखो दे वर गोइंग टू प्ले होली विद ऑल दीपल ऑफ द टाउन टाउन के जितने भी पीपल है सबके साथ वो क्या करना चाह रहे थे होली खेलने वाले थे ठीक है स्टैंड ओके okay, अब थर्ड क्वेश्चन थर्ड है कि सेकेंड है ये आपका आ गया हाँ थर्ड रिफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है क्या देखो क्या है समझ लेते हैं बस इतना ही इसको भी आप क्या कर लो नोट कर लो फिर हम माई वर्ड बैंक और लर्निंग ग्रामर देख लेते हैं ब्लाइंडेड फॉर अ मोमेंट ब्लाइंडेड मतलब अंधा हो जाना कुछ देख के लिए कुछ कुछ समय के लिए कुछ दिखाई ना देना तो एक समय के लिए तो बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा था रस्टी रस्टी को तो रस्टी क्या हो गया ब्लैंड अबाउट इन ग्रेट कन्फ्यूजन बहुत कन्फ्यूजन में पड़ गया वो है ना देन इज आइस क्लियर उसकी बाद में आँखें क्लियर की गई वाई वॉज रस्टी ब्लाइंडेड फॉर अ मोमेंट थोड़ी देर के लिए ब्लाइंडेड क्यों हो गया था वो बिकॉज ऑफ वाटर कलर क्योंकि इसकी आंखों में कुछ वाटर कलर लग गया था इस वजह से है ना वाई वॉज ही कन्फ्यूज टू कन्फ्यूज क्यों था कौन रस्टी बिकॉज अ जेट ऑफ सूदी ब्लैक वाटर स्क्वाटेड इन टू हिज फेस क्योंकि उसके फेस पर क्या डाला गया था एकदम अचानक से सूदी ब्लैक वाटर उसके फेस पर डाल दिया गया इससे बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो गया था वो स्टूडेंट ठीक है ना ओके सूटी का मतलब होता है शूटी शूटी मतलब होता है मडी है ना मिट्टी के कलर का ओके सीख है What did he see when he opened his eyes? जब उसने अपनी आंखें खोला तो उसने क्या देखा स्टैंड रस्टी ने आंसर देखो He saw the group of boys and girls who cheered and danced in front of him। उसने देखा कि बहुत सारे बॉयज हैं गर्ल्स हैं जो चीयर कर रहे हैं इंजॉय कर रहे हैं कर रहे करें उसके सामने ठीक है स्टैंड ओके अब हम क्या देखने वाले हैं लर्निंग ग्रामर और लर्निंग ग्रामर से भी पहले हम क्या देखने वाले

क्लास और टीचर को मिला दो तो क्या बन जाता है क्लास टीचर अब ये क्लास टीचर का मतलब ना तो क्लास है ना तो टीचर है इसका मतलब है क्लास में जो फर्स्ट पीरियड लेते हैं जो मेंटेन करते हैं क्लास को उन्हीं को कहा जाता है ना क्लास टीचर तो वैसे ही जैसे एक होता है टेबल टी ए बी एली टेबल और एक होता है टेनिस है ना तो टेबल और टेनिस मिल करके क्या है टेबल और टेनिस अलग अलग क्या ये तो गेम का नाम हो गया सही बात है स्टूडेंट है ना तो कई बार दो वर्ड मिल करके क्या बन जाते हैं कंबाइंड वर्ड बना लेते हैं जिसका कुछ अलग मीनिंग निकल के आता है इसी को क्या बोलते हैं कंपाउंड कंपाउंड वर्ड वर्ड तो को दो बार पार्ट में तोड़ दिया है एक पार्ट इधर लिख दिया है एक पार्ट इधर लिख दिया है तो आपको सही सही पार्ट को मिलाकर सही कंपाउंड वर्ड बनाना है जैसे कि बैक बैक के साथ क्या बनेगा बाइट बैक बाइट बैक बाइट का मतलब क्या होता है चुगली करना ठीक है ना बुराई करना पीठ पीछे उसको बोलते हैं बैक बाइट देखो यहां आंसर मैंने सारे लिख दिया आप लोग के लिए ठीक है ना फिर क्या है फेयर फेयरवेल देते हैं कि नहीं आप लोग फेयरवेल देखो सही बात है वो फेयरवेल देते हैं स्वागत समारोह या विदाई समारोह जिसको बोलते हैं ना फेयरवेल वाइड वाइड के साथ क्या आएगा स्प्रेड वाइड स्प्रेड मतलब काफी फैला हुआ कोई चीज है ना एवर एवर के साथ क्या आएगा लास्टिंग एवर लास्टिंग मतलब कई समय तक चलने वाला खराब ना होने वाला ऐसा कोई चीज़ एवर लास्टिंग डे के साथ क्या आएगा देखो डे के साथ आएगा ड्रीम डे ड्रीम मतलब दिन में सपने देखना है ना वर्ल्ड के साथ क्या आता है वर्ल्ड वाइड है ना आपने सुना सुना वर्ल्ड वाइड वाइड का क्या फुल फॉर्म है ना तो वर्ल्ड यानी दुनिया भर में छाया हुआ टी के साथ क्या आएगा स्टूडेंट टी के साथ आता है स्पून, टी स्पून चाय का चम्मच जो आता है लुक के साथ क्या आएगा लुक वार्म वाटर पीते हैं ना हल्का गर्म पानी लुक वार्म लुक वार्म. ठीक है स्टूडेंट लुक ये हो गया अब लर्निंग ग्रामर में आपको पूरा समझा देता हूँ कॉन्सेप्ट के साथ तो चलो पहले आंसर की तरफ ही चलते हैं हम देख लेते हैं स्टूडेंट जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं स्क्रीन शॉट ले लीजिए पहले हम समझ लेते हैं क्या कुछ यहाँ सीखने वाले हैं देखो क्या है रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है स्टूडेंट है ना रिलेटिव प्रोनाउन को हम प्रोकंज भी कहते हैं क्या कहते हैं प्रोकंज क्यों कहते हैं क्योंकि ये प्रोनाउन तो होता ही है प्रोनाउन होता है मतलब किसी नाउन के जगह पे आता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन जाता है नाउन का काम करता है का मतलब क्या है किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट भी बन जाता है और कभी ऑब्जेक्ट भी बन जाता है और कंजक्शन का भी काम करता है एक ही टाइम पे दो दो काम करता है कौन रिलेटिव प्रोनाउन ठीक है ना रिलेटिव का मतलब ये रिलेशन बताता है किसके बीच में रिलेशन बताता है दो क्लॉज के बीच में है ना दो सेंटेंस इधर है इधर है दोनों को मिला देता है और रिलेट करके एक सेंटेंस बना देता है ठीक है तो देखो क्या है जैसे कि माई फ्रेंड जैसे कि वो कौन हु हुज वेयर दैट होम ये सब क्या आपके रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ना आर यूज टू जॉइन सेंटेंसेस ये सेंटेंस को जॉइन करने का काम करते हैं ना दो सेंटेंस को जैसे कि माय फ्रेंड मेट मी एट द स्कूल गेट मेरा फ्रेंड मुझसे मिला स्कूल गेट पे एक अपना इंडिपेंडेंट सेंटेंस है एकदम अलग ठीक है ना ही कैरीड माय बैग इनसाइड जो मेरा फ्रेंड है उसने क्या किया मुझसे मिला है ना स्कूल गेट पर और उसने कैरी किया मेरे बैग को कैरीड माई बैग इन साइड और मेरे बैग को उसने अंदर रख दिया ठीक है ना तो देखो वैन वी कम्बाइंड द अबाउट टू सेंटेंस हम दोनों सेंटेंस को कम्बाइंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा देखो माई फ्रेंड हु मैटमी एट द स्कूल गेट कैरीड माई बैग इन साइड देखो माई फ्रेंड मेरा वो दोस्त हु मैटमी एट द स्कूल गेट जो मुझे स्कूल गेट पर मिला क्या किया केरी किया मेरे बैग को अंदर की तरफ रख दिया उसने वैसे यहाँ पर कुछ दिमाग लगाना है और मीनिंग समझते हुए काम करना है देखो बात को समझना है ना हुम who, ये किसके लिए आता है लिविंग थिंग के लिए जो जिंदा चीज है ना जिंदा जिसमें जान है उन सब चीजों के लिए आता है ये ठीक who, who, है हुज मतलब किसी का जैसे कि इज दिस जब भी हुज आएगा तो उसके बाद एक नाउन लिखा जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव के जैसा काम करता है पजेसिव पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं ना पजेशन बताता है हुज है ना हुज पेन इज दिस है ना समझ गए हुज सन इज मिसिंग समझ गए ना समझो तो देखो द गर्ल हुज डॉग वाज लॉस्ट जिसका कुत्ता खो गया था इज स्टैंडिंग देयर वो वहां खड़ी है अब यहां पर हु तो नहीं लिख सकते ना क्यों क्योंकि स्टैंड हुज के बाद नाउन लिखा जाता है समझ में आ गया दैट क्यों नहीं लिख सकते विच क्यों नहीं लिख सकते क्योंकि इस गर्ल का है वो कुत्ता लिविंग चीज की बात हो रही समझ में आ गया तो ये एक बेसिक है हालांकि डिटेल तो बहुत अलग है नॉन लिविंग के साथ डेट भी आ जाता है भी आ जाता है ना पर ये बेसिक रूल बता रहा मैं आपको द गर्ल हुज डॉग वॉज लॉस्ट वो लड़की जिसका कुत्ता खो गया था इज स्टैंडिंग देयर वो वहाँ खड़ी है दिस इज द ए से देखो यहाँ ए से है इसलिए मैंने डेट लगा दिया है ना दैट वॉन जिसने जिताया हिम द फर्स्ट प्राइज इन द इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन

वी हैव अपॉइंटेड फॉर द वेडिंग अब यहाँ आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा सर यहाँ हु आएगा या हुम आएगा ठीक है हुस तो नहीं आएगा क्योंकि हुआ आता तो उसके बाद तुरंत जैसे नाउन लिखा होना था यहाँ पर तो क्या है दूसरा सब्जेक्ट है तो हु आएगा कि हुम आएगा सीधी सी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ स्टैंड अगर आगे सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो हुम आएगा समझ में आ गया देखो ये एक सेंटेंस है ही इज द ये दूसरा सेंटेंस है वी हैव अपॉइंटेड फॉर द वेडिंग दो दो है सेंटेंस मतलब क्लॉज जिसको बोलना चाहिए और दोनों मिलकर के एक पूरा सेंटेंस बना रहे दोनों क्लॉज सही बात है तो यहां पर हुम कभी आपको कंफ्यूजन हो जाएगा हुस तो नहीं लेकिन बात हो रही किसी इंसान की तो यहां पर आप सोच सकते हैं कि सर हु आएगा कि हुम आएगा तो आप ये चेक करना हुम या हु के बाद अगर आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है देखो सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है तो क्या लगाओगे हुम लगाओगे और डायरेक्ट अगर वर्ब दिख गई तो देखिए जैसे यहाँ वर्ब दिख गई डायरेक्ट तब क्या लगाओगे हु लगाओगे समझ में आ गया हुँ? ठीक है ना तो हु who और हुम का क्लियर हो देखिए देखे यहाँ हु क्यों लगाया क्योंकि डायरेक्ट वर्ब दिख गई वॉन्स समझ में आ गया यहाँ हु दिखाया सीधे नाउन दिख गया समझ गए यहाँ हुम क्यों लगाया द एंटायर नेशन इज टॉकिंग अबाउट किसके बारे में बात कर रहे हैं अबाउट इज बिहाइंड बार्स जिसके बारे में बात करें वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया इसलिए यहाँ पर होम लगाया बात को समझना है ना तो यहाँ होम आया ठीक है ना ही इज द कोरियोग्राफ हुम वी हैव अपॉइंटेड फॉर द वेडिंग देखो ये जो हुम है ना ये ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है किसके लिए अपॉइंटेड का वी हैव अपॉइंटेड होम जिसको हमने अपॉइंट किया है तो ऑब्जेक्ट भी बन रहा है यहाँ पर और कंजंक्शन का भी काम कर रहा है यही तो है प्रिपोजिशन जो सब्जेक्ट भी बन जाते हैं ना ऑब्जेक्ट भी बन जाते हैं और कंजंक्शन का भी काम करते ही है ठीक है ना दिस इज द ड्रेस विच हिज आंट हैड बॉट फ्रॉम डेली यही वो ड्रेस है है ना विच हिज आंट ड्रेस की बात हो रही इसलिए विच ला मैंने लगा दिया या दैट भी लगा सकते हैं ना दैट इज आंट हैड बॉट फ्रॉम डेली दिस इज माई अंकल हुज सन ये मेरे अंकल है जिसके सन इज इन द एयरफोर्स एयरफोर्स में है ठीक है द मैन हुम द एंटायर नेशन इज टॉकिंग अबाउट अब यहाँ होम क्यों लगा दिए सर आपने है ना आपने बोला था कि हु लगाएंगे हुम क्यों लगा दिया आगे तो लिखा है ना द एंटायर नेशन सब्जेक्ट तो दिया हुआ है स्टूडेंट यहाँ सब्जेक्ट तो है द एंटायर नेशन इज टॉकिंग अबाउट ये भी लिखा हुआ है इज है बिहाइंड कि, बार्स लेकिन किसके बारे में बात कर करें दिया है क्या नहीं दिया है तो टॉकिंग अबाउट होम किसके बारे में जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो क्या है इज बिहाइंड बार्स तो यहाँ पर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए स्टूडेंट इसलिए ऑब्जेक्ट की जरूरत थी इसलिए होम लगा दिए हु क्या होता है हमेशा सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट को पूरी करता है और होम क्या करता है ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट को पूरी करता है दीज आर द बॉयज हु शैटर्ड शटर्ड विंडो पैन ऑफ़ द कार वाइल्ड प्लेइंग क्रिकेट उन्होंने क्या कर दिया शर्ट मतलब तोड़ दिया विंडो पैनल जब वो क्रिकेट खेल रहे थे तो the singer whom ऑल ऑफ us अडोर देखो अडोर क्या का मतलब होता है लव या प्यार करना चाहना है ना देखो ऑल ऑफ us अडोर किसको हम चाहते हैं वो तो लिखा ही नहीं ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट का काम यह whom कर रहा है इसलिए हमें यहाँ whom की जरूरत थी अगर देखो आगे वाले क्लॉज में जो वर्ब दी है उसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तब हुम लगाना है और ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और समझ गए ना ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो फिर हुम की जरूरत नहीं यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया था इसलिए हुम लगा दिया मैंने समझ गया यहाँ पर भी अपॉइंटेड के बाद अपॉइंटेड वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए हुम लगा दिया मैंने समझ गया स्टूडेंट ठीक है ना और डायरेक्ट वर्ब दी हुई है तो हु लगा देना जैसे हु देखो डायरेक्ट वर्ब है तो हु लगा दिए देखो ही इज द बॉय हु वांट यही वो लड़का है जो चाहता है टू ज्वाइन पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स को नेतागिरी को ज्वाइन करना चाहता है टू मेक द फ्यूचर ऑफ आर कंट्री एंड इट्स पीपल हमारे कंट्री और देश के फ्यूचर को बनाने के लिए समझ किलर गए क्लियर हो गई सारी चीजें तो लर्निंग ग्रामर हम सीख गए आज ठीक है ना और कुछ दिया हुआ है आगे देखो देट हाँ ज्वाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंस देखो एक आखिरी क्वेश्चन एक्सरसाइज है इसको भी समझ लेते हैं आपको क्या करना है ज्वाइन करना है फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द ब्रैकेट ठीक है ना आपको बोला यहाँ देट का ही यूज़ करना है आपको तो हमने क्या कर दिया दिस इज द बुक दैट एवरी वन इज़ टॉकिंग अबाउट जिसके बारे में सारे लोग बात कर रहे थे तो, तो दैट लगा के हमने ज्वाइन कर लिया सही है इजी है यहाँ पर आगे देखो वी डिट ब्रिंग द रिसिट रिसिप्ट नहीं बोलते इसको रिसिप्ट बोलते इट वॉज अ बिग मिस्टेक तो यहाँ पर क्या लिखेंगे विच वॉज अ बिग मिस्टेक इट के बदले क्या आ जाएगा विच आ जाएगा खत्म है ना वी डिट ब्रिंग द रिसिप्ट विच वॉज अ बिग मिस्टेक समझ गया आगे देखो अब ये सेंटेंस थोड़ा सा अलग स्टूडेंट है ना से करना है द द द क्रिमिनल हुज कार फाउंड बाय पुलिस नियर लाइब्रेरी हैज फाइनली बीन अरेस्टेड ये काफी डिटेल इसमें नॉलेज की जरूरत पड़ेगी हमें पैसे वाइज करना पड़ा क्योंकि हुज का ही यूज करने बोला है ठीक है तो समझ लीजिए इसको थोड़ा सा बार बार पढ़ लीजिए सी रोट टू अ पर्सन सी हैड मेट लास्ट मंथ सीधी सी बात है सी रोट टू अ पर्सन ट तो मैट देखो met मतलब मीट की सेकेंड फॉर्म है किससे मिला यहाँ तो लिखा ही नहीं है इसलिए हमने ऑब्जेक्ट है नहीं इस वर्ब का यहाँ पर जो मेट वर्ब है ऑब्जेक्ट तो लिखा ही नहीं तो है तो ऑब्जेक्ट की जरूरत है इसलिए यहाँ पर हुम सही है इस टाइप से जुड़ जाएगा है ना सी to टू person हुम सी हैड met लास्ट मंथ जिससे वो लास्ट मंथ में मिली थी उसके बारे में लिखा आई a फ्रेंड हिस कैट इज annoying तो आई हैव अ फ्रेंड हुज कैट इज़ अनोइंग जिसकी कैट क्या है बड़ी अनोइंग है परेशान कर देने वाली है ठीक है तो ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा आ, इसके सारे के सारे आप नोट्स बना के रखिए ठीक है ना और कैसा लगा लेक्चर मुझे कमेंट करके बताइए थैंक यू वेरी मच माई डियर